हेलो फैमिली, स्वागत है आपका आपके और हमारे यूट्यूब चैनल ब्लॉग विद एनके में। और आज के ब्लॉग में मैं आपको दिखाना, जैसा कि मैंने पहले भी दिखा दिया था, लेकिन जो है कि चांदपुर अकेला 4 लेन प्रोजेक्ट में थोड़ा बदलाव हुआ है, तो वही मैं आपको दिखाने के लिए आया हूँ। क्योंकि इसके बजट को भी जो है बजट बढ़कर दोगुना हो गया है और इसके प्रोजेक्ट में जो है थोड़ा बदलाव है, तो वही दिखाने के लिए मैं आ चुका हूँ। तो चलिए मैं आपको बैक कैमरे से चलकर दिखाता हूँ, चलिए चलते हैं। तो साथियों, अभी हम लोग जो है लोहता से आगे बढ़ रहे हैं और आपको चलकर दिखाएंगे कि कितना कार्य हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि लोहता में, जब आप लोहता थाने की साइड बढ़ेंगे, तो इधर अभी पेड़ नहीं काटा गया है, क्योंकि अभी इधर जो है हाथ लगाया ही नहीं गया है काम करने के लिए, और जस्ट लोहता थाने के आगे जो है सारा पेड़ काट दिया गया है। तो वही मैं आपको दिखाने के लिए आ गया हूँ। और दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि पहले जो है लोहता मार्केट में ही फ्लाईओवर बनने वाला था, लेकिन अब क्या है कि अकेलवा चौराहे से चांदपुर चौराहे तक बीच की दूरी की मैं बात करूं तो 8.6 किलोमीटर की दूरी है, लेकिन अकेलवा चौराहे से 300 मीटर पहले और चांदपुर चौराहे से 300 मीटर पहले के बीच में, यानी कि 8 किलोमीटर का एलिवेटेड फ्लाईओवर बनाया जाएगा। और पहले क्या था कि जब 4 लेन बनने वाला था तो उसका बजट था 273 करोड़ रुपए, लेकिन अब बढ़कर हो गया है 1300 करोड़ रुपए, क्योंकि अब फ्लाईओवर पूरा 8 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनाया जाएगा, इस वजह से बजट बढ़ गया है। और आप इधर देख सकते हैं कि सामने सारा पेड़ काट दिया गया है, इधर दाहिने साइड का जो रोड है ये चला, और हम लोग को जो देखना है वो तो हम लोग को सीधे चलकर देखना है। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो रास्ता है ये SH-87 है, यानी कि स्टेट हाईवे 87 है, जो कि सीधा चला जाता है भदोही के लिए। और भदोही में जाने के बाद अब इसे जो है अपग्रेड कर दिया गया है, अब इस रोड का नाम जो है हो गया है NH-731B। और इधर आप देख सकते हैं कि सारा पेड़ काट दिया गया है, बस पोल को शिफ्ट करना बाकी रह गया है। ये जो रोड है ये टोटल 4 लेन बनाया जाएगा, और रोड की जो चौड़ाई की बात करूं तो रोड की जो चौड़ाई है वो 18 मीटर होगी, और दोनों साइड में 4-4 मीटर में नाला होगा, पाथवे होगा, सर्विस कॉरिडोर होगा। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो 8 किलोमीटर का फ्लाईओवर बनेगा ये एलिवेटेड होगा, मतलब कि इन फ्यूचर की किसी सड़क को, किसी पुल को जोड़ा, मतलब जोड़ने का बात आए तो उसे जोड़ा जा सके। यानी कि अगर आप रिंग रोड से होते हुए सिटी में जाना चाहते हैं, कैंट स्टेशन जाना चाहते हैं, तो आप रिंग रोड से ही फ्लाईओवर पर चढ़ेंगे और सीधा चांदपुर चौराहे पर पहुँच जाएंगे। इधर अब पोल को शिफ्ट करना बाकी रह गया, और अब दाहिने तरफ देख सकते हैं कि मिट्टी को खन भी दिया गया है। और आगे भी चलकर देख लेते हैं कि कितना कार्य हुआ है। दोस्तों, मैं तारीख की बात करूं तो आज है 2 फरवरी 2023। तो अभी हम लोग जो है भट्टी में आ चुके हैं। इधर आप देख सकते हैं कि कितना दूर तक सारा कुछ दिखाई दे रहा है पेड़ कटने की वजह से। और जस्ट सामने जो खड़ंजा है ये बरसात के दिनों में काफ़ी इससे समस्या होती है लोगों को, लेकिन रोड बन जाने के बाद समस्याएं ख़त्म हो जाएंगी। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट का जो बजट है वो करीब 2 बार अपग्रेड हुआ है। पहले क्या था, 273 करोड़ रुपए में बनने वाला था, उसके बाद डिसीजन लिया गया कि एलिवेटेड पुल बनाया जाएगा लोहता में, तो उसके बाद इसका जो है प्रोजेक्ट का लागत जो है बढ़कर हो गया था 1060 करोड़ रुपए। उसके बाद फिर फाइनली डिसीजन लिया गया एलिवेटेड रोड जो है 8 किलोमीटर बनाने का, तो इसका जो है लागत बढ़कर 1300 करोड़ रुपए हो गया।
और हमारे ही YouTube फैमिली मेंबर ने कमेंट किया था कि जो है करौता मार्केट में अलाउद्दीनपुर और अकेलवा चौराहे साइड पोल को शिफ्ट किया जा रहा है, तो वही अपडेट देने के लिए मैं आया हुआ हूँ। और आप सामने देख सकते हैं कि यहाँ पे लगा हुआ है ड्रिलिंग करने के लिए, क्योंकि खम्भे को शिफ्ट किया जा रहा है नापकर। सेंटर से करीब 15 से 20 फीट दूर खम्भे को शिफ्ट किया जा रहा है। और दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं श्री श्री छिटकहा दत्रा ब्रह्म बाबा के पास। तो क्या था कि पहले ये जो है मंदिर शिफ्ट होने वाला था, फिर बीच में आया कि ये मंदिर नहीं शिफ्ट होगा, उसके बाद अब फाइनली मैं आपको बता दूं दोस्तों कि ये जो मंदिर है वो शिफ्ट किया जाएगा। और इधर आप देख सकते हैं कि पोल सारा शिफ्ट हो गया है। और खास बात यह है दोस्तों कि इस फोर लेन में टोटल अकेलवा से चांदपुर तक डिवाइडर होगा और लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी, बस स्टैंड बनाया जाएगा, सारा कुछ होगा, यानी कि सारी सुविधाओं के साथ ये रोड बनाया जाएगा। क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम बन जाने के बाद जितने भी लोग सिटी से स्टेडियम की साइड जाएंगे या फिर जो कैंट स्टेशन से होते हुए स्टेडियम के पास जाएंगे, उन्हें समस्याओं का सामना ना करना पड़े और वहीं भदोही से वाराणसी आने वालों को भी समस्याओं का सामना ना करना पड़े और जाम का दिक्कत ना हो, इसके लिए इसे फोर लेन बनाया जा रहा है। और इस प्रोजेक्ट का जो काम है वो दोगुनी रफ्तार से चल रहा है। और अभी हम लोग करौता मार्केट में आ चुके हैं। सामने आप देख पा रहे होंगे एक पेड़ है पीपल का, जो कि अभी नहीं काटा गया है। ग्रामीणों ने इसे अभी मतलब काटने से मना किया यहाँ के लोगों ने, मार्केट वालों ने, लेकिन यह भी बहुत जल्द काट कर हटा लिया जाएगा। और आप इधर देख सकते हैं कि खना गया था सिर्फ, लेकिन इधर जो है एक साइड में मिट्टी खन दिया गया है और वहीं बाएं साइड में गिट्टी डालकर समतल कर लिया गया और यहाँ का बस स्टैंड भी हटा दिया गया है। देख सकते हैं पिछला वीडियो में जब मैंने दिखाया था तो सिर्फ बाएं साइड का कार्य हुआ था, लेकिन इस बार देखिए दाहिने साइड का भी काम हो गया है और पोल को शिफ्ट कर दिया गया। ये एक बीच में पोल बचा हुआ, ये भी बहुत जल्द शिफ्ट कर लिया जाएगा। इस रोड को दोनों साइड से फिनिश इसलिए किया जा रहा है ताकि जब काम हो तो लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, इस वजह से तुरंत खन कर समतल कर दिया जा रहा है गिट्टी डालकर। और आप देख सकते हैं कि काफ़ी दूर तक दिखाई दे रहा है और रोड काफ़ी चौड़ा है। और दोस्तों मैं बात करूं मुआवजे की, तो मुआवजा किसी को भी नहीं दिया जाएगा इस रोड पर, क्योंकि PWD ने जब ये रोड बना था तभी मुआवजा सबको दे दिया था और कभी जो है ज़मीन अपने नाम करवा लिया था, इस वजह से अब दोबारा जो है मुआवजा नहीं दिया जाएगा। और दोस्तों मैं बात करूं कि इस प्रोजेक्ट के टेंडर की, तो हालांकि ये जो प्रोजेक्ट है वो तो PWD करवा रहा है, लेकिन इसका जो टेंडर है वो दिया गया CS इंफ्रा कंस्ट्रक्शन कंपनी को। आप देख सकते हैं किधर का जो है सारा पोल शिफ्ट कर लिया गया है। तो चलिए दोस्तों मैं आपको टाइम लैप्स में दिखाता हूँ।
यहाँ पे देख सकते हैं कि काम हो रहा है जोरों शोर से। यहाँ पे नाला बनाने का कार्य चल रहा है। और फर्स्ट यहाँ से करीब 300 मीटर आगे ही हमारा अकेलवा चौराहा है। इधर आप देख सकते हैं कि बाएं साइड में तो गिट्टी डालकर समतल कर लिया गया है, लेकिन वहीं दाहिने साइड में अभी अच्छे से समतल नहीं किया गया है। और आप सामने देख सकते हैं कि अकेलवा चौराहा है। आई होप दोस्तों कि वीडियो क्वालिटी अच्छी आ रही होगी और वॉइस भी सही आ रहा होगा। देखिए दोस्तों, वैसे तो इस प्रोजेक्ट को 2024 से पहले पूरा करना है, यानी कि दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को पूरा करना है, लेकिन अनुमान है कि अप्रैल 2024 तक ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं कि अकेलवा का पेट्रोल पंप है। और इधर दोस्तों आप देख सकते हैं कि जैसे हम लोग चौराहे के आगे बढ़े हैं, तो इधर में दाहिने साइड का जो पोल है वो शिफ्ट कर लिया गया है, लेकिन वहीं बाएं साइड का जो पोल है, बिजली का खम्मा है, वो अभी शिफ्ट नहीं किया गया है। वो भी बहुत जल्दी शिफ्ट कर लिया जाएगा। और इस रोड के बन जाने के बाद जो रिंग रोड से चांदपुर चौराहे पर जाने में आधे घंटे का समय लगता था, तो इस रोड को बन जाने के बाद मात्र 12 से 15 मिनट में लोग रिंग रोड से चांदपुर चौराहे पर पहुंच जाएंगे। और सामने हमारा आउटर रिंग रोड, हरुआ रायतलाब आउटर रिंग रोड है। और यहीं सामने ही जो है नाला बनाने का, यानी कि पुलिया लगाने का कार्य हो रहा था, तो चलकर मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि कितना कार्य हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आगे पुलिया लगाने का कार्य हो रहा है। मैं आपको यहीं पे रुक कर दिखाऊंगा। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं आपको घुमा के दिखा देता हूँ। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो है पुलिया बनाने का कार्य हो रहा है, जो कि साइड साइड में ढाल दिया गया और ऊपर का भी ढलाई बाकी है। तो आई होप दोस्तों कि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।